हाँ जी, कोरोना काल में देश के तमाम लोग महामारी के संकट से जूझ रहे हैं। देश में फैले कोरोना वायरस के संक्रमण से हम एकजुट होकर ही उभर सकते हैं। प्रधानमंत्री ने स्पष्ट संदेश है कि हमें कोरोना से भी लड़ना है और देश की अर्थव्यवस्था को भी मजबूत करना है, जिससे समाज के हर वर्ग व समुदाय की भूमिका अहम है। सबके सहयोग से ही कोरोना को हराना है। उक्त बातें महाराजगंज के सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल ने दाऊदपुर में कोरोना योद्धाओं को सम्मानित करते हुए कही। सांसद ने पुलिस कर्मियों, पोस्ट ऑफिस कर्मियों तथा मीडिया कर्मियों को अंगवस्त्र, सैनिटाइजर, मास्क व फूल देकर सम्मानित किया। मौके पर जिलाध्यक्ष रामदयाल शर्मा, हेम नारायण सिंह, शारदानंद सिंह, दिनेश कुमार सिंह, मुन्ना सिंह, मनोज प्रसाद, हरिमोहन सिंह, गुड्डूपुर से जिला पार्षद धर्मेंद्र सिंह, समाज पंकज सिंह, अमरजीत सिंह, नीरज मिश्रा आदि मौजूद थे। आज का जो यह सम्मान समारोह चाहिए वह है पूरे देश में। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब यह घोषणा किया कि हमारे आरक्षी जो बंधु भगनी हैं, वह चिकित्सक बंधु भगनी, मीडिया कर्मी, सफाई कर्मी, ये जितने वर्ग हमारे समाज में आज हैं, सब लोग जब लॉकडाउन में है, कहीं कोई बाहर निकलने की हिम्मत नहीं कर रहा था, उस समय भी यह चारों वर्ग अपने और अपने परिवार की चिंता किए बिना सड़क पर रह करके हम सब की सुरक्षा कर रहे थे। वाकई लॉकडाउन में जो प्रधानमंत्री जी ने यह घोषणा किया, उस समय एक उहापोह की स्थिति सबके सामने थी। लॉकडाउन तो हो गया, आखिर इसके बाद अब क्या होना है, लेकिन यह चार वर्ग जिस स्थिति में आकर के इस देश को संभालने का काम किया है, वह काबिले तारीफ है। और इसी के वजह से हुआ कि नहीं, भारतीय जनता पार्टी के संगठन ने यह तय किया कि इन लोगों को हम सम्मानित करेंगे, क्योंकि यह वर्ग ही आज है जिसके बदौलत हम सब जगह सफल हो रहे हैं। तो जब हम सब जगह सफल हो रहे हैं तो सम्मान के अधिकारी यह हैं, इसलिए आज का यह सम्मान समारोह था। दूसरा, सारी बातें माननीय सांसद जी ने कहा है, जीविका और जीवन की बात एक बंधु ने उठाया था, तो जीविका और जीवन ये दोनों पर सूक्ष्म दृष्टि अगर किसी की है इस विश्व में, भारत की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, पूरे विश्व में, तो वह यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। सर एक बात हम पूछ, गांवों का सम्मान सिर्फ उनका सम्मान नहीं है, यह व्यक्तिगत देश के इस महामारी से लड़ने वाले योद्धाओं का सम्मान है। और एक ऐसी महामारी है, एक ऐसा युद्ध शुरू हुआ है जो कोरोना वायरस के रूप में वैश्विक स्तर पर अपना छाप और प्रकोप बनाए हुए है, और इसको भगाना है। और इसमें हमारे कोरोना योद्धा के रूप में हमारे चाहे पुलिसकर्मी हों, हमारे मीडिया कर्मी हों, स्वास्थ्य कर्मी हों, सफाई कर्मी हों, पोस्ट ऑफिस के हमारे भाई हों, ऐसे लोग जिस तरीका से रात दिन अपने जान को हथेली पर लेकर के काम कर रहे हैं, जिससे कोरोना को कंट्रोल करने में, कोरोना को भगाने में हमें जो सफलता मिल रही है, इसलिए इनका सम्मान, इनके मनोबल को बढ़ाना, इनके कार्य क्षमता को बढ़ाना, इनके अंदर वैसी ताकत देना और ऐसा विश्वास करना कि हम जो काम कर रहे हैं, समाज हमें उसे सही तरीका से परख भी रहा है, देख भी रहा है, और उसके लिए हमें सम्मानित भी कर रहा है। समाज इनको एक एक्सेप्टेंस दे दिया है, समाज और देश ने, कि नहीं, आप जो काम कर रहे हैं, आपके काम का हम बुरी बुरी प्रशंसा करते हैं, आपके काम के लिए मैं आपको धन्यवाद करता हूँ, ईश्वर और खुदा से प्रार्थना करता हूँ कि आप और मजबूती से काम करें और कोरोना रूपी वायरस को भगाने में एक योद्धा की जो भूमिका आप अदा कर रहे हैं, यह निश्चित होगा कि कोरोना हारेगा और भारत जीतेगा, भारत जीतेगा और कोरोना हारेगा, यह तय हमारे
कोरोना योद्धाओं ने कर दिया है और देश के अंदर भी लोगों के अंदर जो उत्साह वर्धन का काम किया है वह भी काबिले तारीफ है। अगर खबर अच्छी लगी हो तो खबर को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं और शेयर करना न भूलें।